नमस्कार। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे अप्रैल के तीसरे सप्ताह के लिए, यानी 15 से 21 अप्रैल तक के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के राशिफल की। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 15 से जो 21 तक का हमारा ये सप्ताह है, इसमें सबसे पहले 15 और 16 की बात करते हैं। 15 और 16 को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहाँ ये आपके राशि स्थान में ही गोचर करने वाले। इनका ये गोचर यहाँ पर राहु के साथ रहेगा, और राहु क्योंकि आपकी वृषभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। सिर में दर्द रह सकता है और कई बार आप भ्रम के शिकार भी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हो सकते, या आपकी थिंकिंग भी ऐसी होगी, बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे, और वो आपके खुद के जीवन में वास्तविक रूप से व्यवहारिक जीवन में हम उन बातों को लागू नहीं कर सकते। आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से आप भ्रम का शिकार इन 2 दिनों में ना हो। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका खुद पर रहेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाने में, सुंदर दिखाने में आप रुचि लेंगे, और आप कई बार अपनी कोई फेक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये समय में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और खुद को आप इम्प्रूव करें, और आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं कोई फ्यूचर के लिए वो ले सकते हैं। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो आप निश्चित ही इस समय में भ्रम के शिकार होंगे और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान ही होगा। तो ये समय में आपकी जो भावनात्मक जो मजबूती है मन की, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और हो सकता है आपके मन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो और कुछ भावनात्मक दबाव आप बहुत ज़्यादा महसूस करें। चंद्रमा के यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखने से मैरिड लाइफ का जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये स्थिति कई बार आपके रिश्तों में इन 2 दिनों में तनाव भी ला सकती है। अगर आपका चंद्रमा और राहु दोनों ही अच्छे हैं कुंडली में, तब ऐसी स्थिति नहीं होगी, तब आपको अपना पार्टनर अच्छे से सपोर्ट करेगा। लेकिन इस समय में आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले लीजिए, पर भ्रम का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना, वो सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। ये समय आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए हालांकि इतना अच्छा समय नहीं रहेगा, पर फिर भी कुल मिलाकर आप आगे के लिए कोई प्लान सोचकर रख सकते हैं, जिस प्लान को आप आगे अप्लाई करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय कुछ इम्प्रूवमेंट तो लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से आपको कोई हेल्थ संबंधी दिक्कत चल रही थी, किसी अन्य प्रकार की आपको समस्याएं चल रही थी, वो दूर होंगी। साथ ही आप ये समय में विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो ये 2 दिन मिलजुल कर अगर बात करें, तो ये दोनों जो प्लेनेट हैं, चंद्रमा और राहु, ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे और खराब रिजल्ट भी देंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको कई बार ये भ्रम का शिकार भी बनाते रहेंगे। तो 15 और 16 को कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इसके बाद 17, 18 और 19 अप्रैल को चंद्रमा यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में ये मिथुन राशि में रहेंगे। अब मिथुन राशि में रहने से इस समय में आप वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव होने से वाणी काफ़ी सुरीली होगी। अगर आप कोई संगीत के फील्ड से जुड़े हैं, या वाणी के माध्यम से ही कोई काम कर रहे हैं, आप में वोकल टैलेंट काफ़ी अच्छा है, तो निश्चित ही आपको इस गोचर का फायदा होगा। ये 3 दिन में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने कार्य में। साथ ही साथ इस समय में धन की अचानक वृद्धि होगी और फैमिली से बहुत अच्छा लगाव भी रहेगा। फैमिली के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली पर फोकस करें और अपने काम पर फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप धन कमाने पर फोकस जरूर करेंगे। तो ये समय में जो भी आपके खर्चे होंगे वो या तो खुद को लेकर होंगे या फिर अपने फैमिली को लेकर होंगे। साथ ही कुछ यात्राओं पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। इस समय अगर आप ट्रेवल करते हैं तो सावधानी से आपको करना होगा, साथ ही एक्सीडेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जो चंद्रमा है वो वाणी की मधुरता लाने से आप किसी से भी अपना कोई काम है वो निकलवा सकते हैं। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आप खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं अपनी सेहत के अकॉर्डिंग। साथ ही चंद्रमा जो कि अष्टम भाव को देखेंगे, तो उस वजह से कुछ
कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं आपके जीवन में जो बहुत अचानक घटित होती हैं और उनसे आपको लाभ या नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। चंद्रमा के अष्टम भाव को देखने से आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटिव टाइप का रहेगा, बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक रहेगा, तो कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आपकी फैमिली के लोग तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, पर दूसरे लोग फैमिली के अलावा जो भी हैं उनके समझ में आपकी बातें कई बार नहीं आएंगी, तो इस वजह से हो सकता है आपको बार बार किसी को कुछ समझाना पड़े और लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करें। इस दौरान आपका इंटरेस्ट रहेगा अकल्ट साइंसेज में और कहीं ना कहीं आपकी रुचि रहेगी रिसर्च में, तो जो भी विषय आप इस दौरान पढ़ेंगे काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे और काफ़ी सोच समझ कर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये समय में हो सकता है फैमिली के साथ कोई टूर हो सकता है आपका और आपको पैतृक संपत्ति में या आपके इन लॉज से धन का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये समय ऐसा है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अपनी फैमिली पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। साथ ही साथ ये समय में आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आप वाणी के माध्यम से करना चाहते हैं, या आपको फैमिली का जहाँ भी सपोर्ट चाहिए आप अपनी फैमिली से सपोर्ट भी ले सकते हैं। 20 और 21 की जहाँ तक बात है, चंद्रमा यहाँ से एक राशि आगे बढ़कर आपके लिए तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, तो तीसरे भाव में अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। इस वजह से ये समय में आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, आप कुछ यात्राएं करेंगे, यात्राओं की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और उस वजह से आपको हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, जैसे शारीरिक थकान होना या बहुत सारा आपको कहीं ना कहीं कोई सिर दर्द जैसी समस्या उठ सकती है। ये समय में आपके पड़ोसियों से, आपके भाई बहनों से रिश्ते आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे और उनसे आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा। चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आप एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे और आप काफ़ी सारी यात्राएं करते रहेंगे। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ ये समय में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आप हालांकि चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से किसी प्रकार के रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे, पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही करनी होगी। ये समय में आप अपना जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रखने वाले हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को सपोर्ट करते हुए चलेंगे, आपका मन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और हालांकि मन एकाग्रचित नहीं हो पाएगा। ये समय में विदेश यात्रा हो सकती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई बहुत हायर लेवल की डिग्री पाना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, तो वो आपका क्लियर हो सकता है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि ये जो गोचर है इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही आपको अपने फादर से भी अच्छी मदद मिल जाएगी इस दौरान और उनका भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट ही मिलेगा। चंद्रमा के अब नाइन्थ हाउस को देखने से आपके जो भी गुरुजन हैं उनसे आपको अच्छी मदद मिल जाएगी, किसी बड़े बुजुर्ग की कोई सहायता आपको मिल सकती है, कोई आशीर्वाद मिल सकता है, इस वजह से आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मोटिवेशन चारों तरफ से मिलता रहेगा। साथ ही भाई बहनों से संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिस वजह से आपको एक अलग तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कहीं ना कहीं ये आपको बिजी बहुत ज़्यादा रखेगा और हो सके जितना आप खुद पर कंट्रोल भी करें और बहुत ज़्यादा बिजी भी रहें। तो इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इस वीक में वृषभ राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 7 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा काला रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।